आईसीएमआर ने जो रैपिड टेस्टिंग किट हमको भेजी थी, एसएमएस अस्पताल में ऑलरेडी जो पीसीआर टेस्ट के माध्यम से पॉजिटिव केसेस के रूप में जो मरीज भर्ती थे, 168 जो ये रैपिड टेस्टिंग किट थी, इनको हमने टेस्ट किए और उस टेस्ट के रिजल्ट कायदे से तो 90% आने चाहिए थे दोनों में आपस में मिलान, लेकिन ये 5.4% आया। जो पॉजिटिव है ऑलरेडी उनको भी नेगेटिव बता रहे हैं ये टेस्ट। ऐसी परिस्थिति में रैपिड टेस्टिंग किट से जो टेस्टिंग थी उसको हमने राज्य में रोका है और आईसीएमआर को ये बताया है कि जो प्रोटोकॉल आपने तय किया है, जो प्रोसीजरल इश्यूज आपने तय किए हैं, उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट किए हैं, उसके बावजूद ये परिणाम आया है तो हमको ये गाइड करें कि हम इस टेस्ट को आगे यहाँ काम में लें या नहीं लें। आईसीएमआर के जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं, तब तक ये टेस्ट राजस्थान में हमने रोक दिए हैं, अब सिर्फ पीसीआर टेस्ट ही करेंगे। आज भारत सरकार से जो 5 अधिकारियों का दल राजस्थान में 4-5 दिन के लिए आया है राज्य की मदद के लिए, उनसे भी मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को उन्होंने उस टीम के सामने रखा। कल गृहमंत्री जी से भी मुख्यमंत्री जी ने बात की थी। माइग्रेंट लेबर जो कि आज बहुत परेशानी के दौर में हैं और जो हमारा राजस्थान का प्रवासी राजस्थानी जो देश के अलग अलग राज्यों में आज फंसा पड़ा है और अपने घर आना चाहता, अपने गांव आना चाहता, अपने प्रदेश में आना चाहता है और वो मानसिक अवसाद की स्थिति में पहुंच चुका है, ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है जिसका बराबर मुख्यमंत्री जी हर रोज मीडिया के जरिए भी इस मामले को उठा रहे हैं कि भारत सरकार को ये अनुमति देनी चाहिए कि वो लोग एक बार अपने अपने घरों पर चले जाए तो उनको तसल्ली आएगी, क्योंकि पता नहीं कितनी लंबी चलेगी ये बीमारी, कब कंट्रोल होगी कब नहीं होगी। अभी 3 मई तक तो लॉकडाउन है ही है, आगे क्या स्थिति रहती है इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को माइग्रेंट लेबर्स की जो प्रॉब्लम है उसको, वास्तव में गंभीर है वो समस्या, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में खाना तो उसको चाहिए चाहिए। अब ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको तो गेहूँ मिल जाएगा और बाकी जो कवरेज में नहीं है उनके लिए क्या होगा? तो ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब लोग जो किसी भी स्कीम के कवरेज में नहीं आ रहे हैं उनको गेहूँ पर्याप्त मात्रा में मिले, इस बात को केंद्र को सुनिश्चित करना चाहिए। नई फसल आ गई है, नया अनाज आ रहा है, वो गोदाम तो फिर बढ़ जाएंगे, लेकिन गरीब आदमी तक गेहूँ पहुँचे पूरे देश में, पूरे राज्यों में पर्याप्त मात्रा में डिमांड के हिसाब से, इसको केंद्र को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके अलावा जो व्यवसाय है या उद्योग है जो बुरी तरह से आज इस COVID-19 की लॉकडाउन की वजह से खत्म हो गए हैं, उनको रिवाइव करने के लिए भी एक पैकेज के रूप में केंद्र को मदद राज्यों को करनी चाहिए ताकि वो उद्योग धंधे पटरी पे कैसे आए, उद्योग वापस खड़े कैसे हों, काफ़ी दिक्कतें हैं उनके सामने भी, उसके लिए भी केंद्र को सोचना चाहिए। और उसके अलावा ये जो